सी बात शुरू करते हैं। भगवान श्री तुलसी से पूछते हैं, तुलसी तुमने अपनी मुक्ति का क्या सोचा है? मेरे राम, राम पूछ रहे हैं कि अधिकार किसको मिलता है जो परमात्मा का हो चुका हुआ है। ये बातें बड़ी भेद की बातें हैं। भेद की बातें भक्ति पूछ सकता है, भक्ति भगवान ही पूछ सकता है। तुलसी तुमने अपनी मुक्ति पर क्या सोचा है? तुलसी कहते हैं, प्रभु शास्त्र के अनुसार दो साधन में जानता हूं। कौन कौन से? प्रभु राम पूछ रहे बच्चों की तरह। भक्तजनों सच पाना परमात्मा बहुत सरल है, बच्चा निश्चल बच्चा कहने सुनने में बहुत बड़ा है, लेकिन शरणागत के सामने भक्त के सामने मैं बिल्कुल इसी तरह का बच्चा बन जाता है जिस प्रकार का भक्त होता है। निश्चित निष्कपट उदार सब कुछ। कौन कौन से साधन है? प्रभु राम पूछ रहे हैं सर्वज्ञ, एक अल्पज्ञ से पूछ रहे हैं तुलसी, एक भक्त अल्पज्ञ सर्वज्ञ उससे पूछ रहे हैं कौन कौन से साधन है। कहा प्रभु रस्सी बंधी हुई होती है, एक साधन यह है कि व्यक्ति साधना करके ज्ञान के माध्यम से अनाशक्ति की तलवार से उसे काट देता है, ज्ञान का मार्ग। दूसरा कहा भक्त अपने आप को प्रभु इतना सिकोड़ लेता है, रस्सी ढीली पड़ जाती है, अपनी अपनी सिकड़ जाती है। भगवान ऐसी भोली भोली बातें सुन के बहुत प्रसन्न होते हैं, गदगद होते हैं, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। तूने कौन सा सुना है? प्रभु पूछते हैं, दो तो तूने बता दिए, तूने कौन से चुने हैं? कहा प्रभु मैं दोनों के योग्य नहीं, अतएव मैंने तीसरा चुना है। तो क्या जिसने रस्सी बांधी है रस्सी खोल दे, अतएव आपकी चरण शक्ति, आप बांधने वाले हो, आप रस्सी खोलो, मैंने ये साधन चुना है। मन ही मन भगवान और प्रसन्न हो रहे हैं। ला तुलसी तेजस्वी काट सकता ना प्रभु, काटे तो वो जो अनाड़ी हो, आप कोई अनाड़ी थोड़ी हो, फिर आपके काटने से रस्सी अनुपयोगी हो जाएगी, किसी काम नहीं आएगी। आप खोल दीजिए, मैं खोलू या काटू पर तुझे तो मुक्ति मिल जाएगी ना। पर प्रभु आपने रस्सी काट दी तो वह किसी उपयोग की नहीं रहेगी, तो क्या करना चाहता है इससे? तुलसी कहते हैं, प्रभु जिस रस्सी से आपने मुझे बांधा था इस रस्सी से मैं को बंधूंगा, देखूंगा आप बंधे हुए कैसे लगते। आपने सारी जिंदगी भर मुझे बांध के रखा, मैं भी देखना चाहता हूं बांधने वाला बंधा हुआ कैसा दिखा देगा। एक किसी अधिकार मिलता है जो भगवान की चरण शरण में चला जाता है। माता चरण शरण में जाने से मेरी माता सज्जनों गुजारा नहीं होता, गुजारा तब होता है जब भगवान आपको स्वीकार कर ले कि हाँ तो मेरी चरण शरण में मोहर लगा दे। राष्ट्रपति भवन की मोहर लग जाती है ना तो बंदा निश्चित होता है, मानो मेरे समान कोई है ही नहीं। ऐसा ही शरणागत ही हो जाता है, मानो उसके ऊपर भगवान से एक मोहर लगाता है। मेरा कुत्ता इसके गले में मैंने पटर डाल दिया हुआ, इसको कोई छू नहीं सकता, इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। आगे बढ़ती है देवियों, आप कल्पना नहीं कर सकते ऐसे शरणागतों के लिए, ऐसे भक्तों के लिए भगवान क्या क्या करते हैं। हम कुछ नहीं करते, डंडोरा पिटाते हैं, पीटते
सब कुछ कर रहा था, कुछ नहीं मुख से बोलता, कभी जितलाता तक नहीं, मैंने तेरे लिए ये किया। और बहुत देर की बात है आपकी सेवा में दस की जाती है। एक भक्त हुए हैं नारायण दास, आज मां की मृत्यु हो गई। भक्त राम राम जपने के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता होता, अंतर समझिएगा। जगन्नाथ जी का भक्त है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, महामंत्र को जाप करता है बस। कोई ये शास्त्र नहीं पड़े, कोई ये मान्य है। मां की मृत्यु हो गई है तो भक्त बहुत प्रसन्न है, अपने भजन की स्थिति में रहते हैं। कहता है परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र है, एक ही अशक्ति बाकी थी तोड़ के रख दी अपने। ये कौन कहेगा ऐसी बात। हम तो पत्नी की मृत्यु होती है, मां की मृत्यु होती है, पति की मृत्यु होती है, शव बन जाते हैं, इतना दुख हमें होता है। ये परमात्मा की कहनी है, विश्वास रखने वाला व्यक्ति परमात्मा की ये करनी को सहस शिरोधार्य करने वाला व्यक्ति कह रहा है परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र है, एक ही अस्थि भक्ति रही थी आज मेरी गली काट के रखी, मैं यहां क्या करूंगा। जगन्नाथपुरी चले गए, वहां जाके नाम की आराधना करूंगा, परमात्मा के श्री चरणों में बैठूंगा। अब मेरा परमात्मा के सिवा कोई नहीं, बस बात बन गई। ये हालत के साथ ऐसा होना जरूरी नहीं, लेकिन मानसिक तो हालत के साथ ऐसा हो सकता है। मानसिक स्वीकृति तो हर एक को करनी ही होगी, साधक जी में मेरा परमात्मा के सिवा और कोई नहीं। सब कुछ होते हुए उसे परमात्मा बहुत नंबर देता है, इनका तो कोई नहीं है। मां तक मर गई जिसका कोई है ही नहीं, वह यदि कहे कि मेरा कोई नहीं तो उससे कौन सी बड़ी बात है। होते हुए यदि कोई कहता है कि मेरा कोई नहीं तो परमात्मा उसे तत्काल पकड़ के अपनी गोदी में उठाता, शाबाश बच्चा शाबाश। मेरे लिए मरने वाले तो बहुत, मुझे मरने वाले इतने पसंद नहीं जितना जितने वह पसंद है जो मेरे लिए जीना चाहते हैं। सारे होते हुए भी यदि तू ये मानता है कि मेरा कोई नहीं तो तू मेरे गोद का अधिकारी है। भक्तन रविंदास जगन्नाथपुरी चले गए हैं, मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं गए, सागर के किनारे बैठ गए हैं, जप कर रहे हैं। एक दिन व्यतीत हुआ, न भूख न प्यास, एक अद्भुत सी मस्ती ये है भक्त के ऊपर। तीन दिन व्यतीत होगा, भगवान जगन्नाथ जी का सिंहासन है, लक्ष्मी देख तीन दिन से भूखा बैठा, मैं कैसा हो गया, मैंने उसकी सुध नहीं ली, अपने आप को भगवान दोषी ठहरा रहे। इसके लिए एक शर्त करती जिसे ये विश्वास कि मेरा परमात्मा के अतिरिक्त और कोई नहीं। कौन देगा उस रोटी को, उसे कपड़ा कौन देगा, उसे रहने दिए लक्ष्मी। तीन दिन से सामने बैठा है, ये जितना भोग पड़ा हुआ, जितना भोग पड़ा हुआ सारा ले जा, उसे खिला दिया, अपने हाथ से खिला दिया। मां लक्ष्मी सोने का थाल लेके जो भोग बैठा हुआ था सागर के किनारे बैठे भक्त के लिए ले गए, जाके सोने का थाल आगे रख दिया। भक्त को शुद्ध बुद्ध नहीं, मां क्या करे, हिलाए मां की ममता, मां का वात्सल्य, मेरा पुत्र मस्त है, इसे मस्त रहना चाहिए, खाना तो मिलता ही रहता है ऐसी मस्ती को। अतएव लाया नहीं, जगाया नहीं, कुछ नहीं किया, थाल रख लिया, ढका हुआ था। जाती जाती वापस लौटती लौटती अपनी चूड़ियों की झनकार, पायल की झनकार आवाज की अद्भुत सी आवाज सुनी भक्त की आंख में, मान लो फूक अंतर था भगवान की वत्सलता पर
भक्ति प्रसन्न है। अतः पेट भर के इतने दिनों का भूखा था, जितना भी भेजा हुआ था सारे का सारा खाके समय हो गया है। साक्षी आगे की चर्चा कर लेंगे, आज यही समाप्त करने की इजाजत है। धन्यवाद।